नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका नंबर्स की दुनिया में। और आज की वीडियो में हम खासकर बात करने वाले हैं कि इस ब्रह्मांड के क्रिएशन में, यूनिवर्स के क्रिएशन में 369 का क्या रोल है और इसने पूरे ब्रह्मांड में कौन कौन सी भूमिका निभाई है। जैसे कि मटेरियलिस्टिक दुनिया में, मान लीजिए पृथ्वी को बनाने में, या फिर अदरवाइज दूसरे प्लैनेट्स को बनाने में 369 का कितना महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा धरती पर जितने जीव जंतु हैं या जितनी वस्तुएं हैं उनमें इसका उपयोग कैसे हो रहा है, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपको मैं अंधविश्वास से निकाल कर एक ऐसे रास्ते पर लाना चाहता हूं जहां पर आप नंबर्स की एक्चुअल मीनिंग समझ पाओ, अंधविश्वास में ना फंसे रहो। लेकिन इस चैनल पर मैं देखता हूं कि ज़्यादातर लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। उन्हें बस अच्छी चीज़ें सुनना पसंद है, मतलब कि उन्हें कुछ भी बता दो बस वो खुश हो जाए, ऐसा बता दो। क्यों वो आखिर तर्क नहीं करते हैं कि सामने वाला जो बता रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। उन्हें तर्क खुद से करना चाहिए और समझना चाहिए। दोस्तों, पहले हम नंबर्स को साइंस की भाषा में समझेंगे और उसके बाद इन्हीं नंबर्स को हम न्यूमरोलॉजी की भाषा में समझेंगे। नंबर्स के बारे में लॉजिकली देखा जाए तो पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं और नंबर्स एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा सटीक लैंग्वेज है। बकाया जितनी भी भाषाएं हैं वो सब में मिस्टेक हो सकता है लेकिन नंबर्स की कोई मिस्टेक नहीं होती। 3 और 2 जोड़कर 5 आते हैं और आप किसी भी दुनिया में चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, 3 और 2 को जोड़कर 5 ही आएगा। लेकिन आप अगर कहीं और जाते हो और अगर दूसरी लैंग्वेज का, भाषा का उपयोग करते हो तब सामने वाला आपकी भाषाओं को नहीं समझ पाएगा। लेकिन आप नंबर्स की कैलकुलेशन अगर उनके साथ शेयर करते हो तो वो तुरंत समझ सकते हैं, इसलिए ये सबसे सटीक भाषा है। और ब्रह्मांड भी नंबर्स की भाषा ही बोलता है। क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेट भाषा है। आप देखते हैं कि कंप्यूटर नंबर्स की भाषा को समझता है। आप भले ही कंप्यूटर में किसी भी भाषा में चीज़ों को सर्च कर रहे हो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपकी भाषा समझ रहा है। आपकी लैंग्वेज को वो नंबर्स की भाषा में ट्रांसलेट करके समझता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देता है। ये है साइंस की बात। लेकिन 369 भी नंबर्स है तो ये कैसे महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं इस ब्रह्मांड को बनाने में, तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। वीडियो बड़ा हो सकता है, ध्यान से देखिएगा अगर आप पहली बार आए हैं। और वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन अगर आपको सटीक मिले तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। हम बात करते हैं सबसे पहले क्रिएशन के बारे में। आप जानते हैं किसी भी चीज़ को बनाने में अणु और परमाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आप साइंस आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, केमिस्ट्री, तो आप जानते होंगे कि मटेरियल दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो परमाणुओं से बनी हुई हैं। और परमाणु किससे बनते हैं? परमाणु बनते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 नंबर 369 में जो 3 नंबर है वो है क्रिएशन का नंबर, किसी सोच का नंबर, ज्ञान का नंबर। और इसी वजह से क्रिएशन में, किसी भी चीज़ के क्रिएशन में जो परमाणु है वो परमाणु को बनाने में इन 3 नंबर्स का उपयोग किया गया है। तो मतलब कि जीवन की सबसे छोटी इकाई 3 से शुरू होती है। अगर मैं 3 की बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। प्लैनेट्स की बात करूं जो कि 3 नंबर वो ज्ञान के प्रतीक होते हैं। थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे इस दुनिया पर तो आप देखेंगे कि 3 ही काल होते हैं, भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। 4 काल क्यों नहीं होते? मतलब कि इस समय को बनाने में भी 3 नंबर्स का उपयोग किया गया है। इसके अलावा हम जिस डायमेंशन में रह रहे हैं दोस्तों, साइंस के अकॉर्डिंग वैसे तो 11 डायमेंशन लगभग होते हैं लेकिन हम रह रहे हैं 3rd डायमेंशन में। मतलब कि कुछ ऐसी प्रजातियां भी इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, तो वो हमसे हाईएस्ट डायमेंशन में रह रहे होंगे। या हम कहें कि देवता, एंजल्स, ये भी एक हाईएस्ट डायमेंशन में रह रहे होंगे लेकिन हम रह रहे हैं 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन का मतलब होता है कि हम आगे पीछे जा सकते हैं, 1 डायमेंशन हो गई, हम दाएं बाएं जा सकते हैं, 2 डायमेंशन हो गई, और हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, 3 डायमेंशन हो गई। 4th डायमेंशन है समय, लेकिन समय पर हमारा पकड़ नहीं है। समय तेजी से निकल रहा है लेकिन इसे हम रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ये पावर नहीं है। लेकिन इससे हाईएस्ट डायमेंशन में रहने वाले लोगों के पास ये पावर ज़रूर होगी कि वो समय पर भी अपना कब्जा जमा चुके होंगे और समय में आगे पीछे वो जा सकते हैं।
तो इस तरह से थ्री डायमेंशन में हम रह रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इस ब्रह्मांड को बनाने में, इस पृथ्वी को बनाने में तीन नंबर का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि पृथ्वी को या अन्य किसी वस्तु को बनाने में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को उपयोग किया गया है, जो कि थर्ड डायमेंशन में हम रह रहे हैं। एक टेस्ला महान वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने कहा था कि 369 इस ब्रह्मांड की चाबी है, जो इस चाबी की गुत्थी को सुलझा लेता है और समझ लेता है इन 369 नंबर को, तो वो ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य समझ सकता है। अगर आप देखेंगे कि इस ब्रह्मांड को बनाने में 6 नंबर का भी महत्वपूर्ण उपयोग किया गया है, जैसे कि मुस्लिम धर्म में बताया गया है कि अल्लाह ने इस दुनिया को 6 दिनों में बनाया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि 6 नंबर शुक्र का नंबर भी है। थोड़ा सा हम न्यूमरोलॉजी की ओर बढ़े तो अंक ज्योतिष शास्त्र में 6 नंबर को शुक्र का नंबर माना जाता है, और शुक्र होता है साधनों का प्रतीक। सबसे पहले क्रिएशन हुआ किसी चीज़ का, जो कि 3 नंबर से बना था। और अच्छा, 3 नंबर के बारे में एक चीज़ और बता दूँ, 3 नंबर जो प्रतीक है वो क्रिएशन का है, और ब्रह्मा क्रिएशन के प्रतीक, तो वो भी 3 देवों में से एक देव हैं। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर में जो इस दुनिया को चलाने के लिए हमें साधन चाहिए, पहले हमने किसी चीज़ को बनाया, अब बनाने के बाद जैसे कि हमने किसी मोबाइल को क्रिएट कर लिया है, अब उस मोबाइल को चलाने के लिए हमें साधन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, साधन चाहिए, तो उसका प्रतीक है 6 नंबर। 6 नंबर शुक्र का प्रतीक होता है और ये आपको सुंदरता, सुख साधन, ये सारी चीज़ें देता है। मतलब कुछ लोग 6 नंबर को बहुत निगेटिव नंबर मानते हैं, तो उसकी एक वजह है शुक्रदेव जो है वो दैत्य गुरु माने जाते हैं, और दैत्य गुरु होने की वजह से वो सुख साधन तो देते हैं लेकिन साथ ही साथ आपको बिलासता और निगेटिव चीज़ें देते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत सारा धन आ जाए तब आप में अहंकार आ जाए, आप लोगों के साथ गलत करने लगो, आप उस धन का गलत उपयोग करने लगो, तो ये सारी चीज़ें भी साथ ही साथ आती हैं 6 नंबर के साथ में, तो उनका उपयोग आपको सोच समझ कर करना रहता है। तो आप जानते हैं कि 3 नंबर क्रिएशन का है, 6 नंबर इस दुनिया को संचालन करता है। अच्छा, जो हमारे भगवान विष्णु हैं सनातन धर्म में, वो इस दुनिया का संचालन करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो 6 नंबर के प्रतीक हुए। 3 नंबर के प्रतीक है ब्रह्मा जी, 6 नंबर के प्रतीक है हमारी विष्णु जी। तो इस तरह से इस ब्रह्मांड को चलाने में 6 नंबर का महत्वपूर्ण रोल है। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 9 नंबर इस दुनिया को कैसे अपने आप में समेटे हुए हैं। किसी चीज़ का आरंभ हुआ है तो उसका अंत होना तय है, और अंत का प्रतीक है 9 नंबर। तो इस ब्रह्मांड को, अगर ये ब्रह्मांड बनाया गया है तो कभी ना कभी पृथ्वी का या दूसरे प्लैनेट्स का अंत भी तय है कहीं ना कहीं। तो जब अंत का प्रतीक है 9 नंबर, और 9 नंबर सनातन धर्म में भगवान शिव का माना गया है, और भगवान शिव हर चीज़ को समाप्त कर देते हैं, शुरुआत करते हैं ब्रह्मा जी, लालन पालन करते हैं विष्णु जी, और समाप्त करते हैं शंकर जी। तो आप देख रहे हैं कि 9 नंबर का भी महत्वपूर्ण रोल इस दुनिया में है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में 3 और 6 नंबर 9 नंबर के अधीन काम करते हैं, और इसे प्रमाणित करती है हमारी मैथमेटिक्स। अभी 9 नंबर 6 और 3 पर कैसे राज कर रहा है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जब 3 की 3 से गुणा करते हो तो 9 आता है, 6 की 6 से गुणा करते हो तो 36 आता है, और 36 को जोड़ने पर 9 आता है, 9 से 9 की गुणा करते हो तो 81 आता है, 81 जोड़ने पर फिर से 9 आता है। तो आप देख रहे हो कि 3, 6 और 9 की खुद में अगर गुणा करो तो 9 आ रहा है। दोस्तों, अब हम 3, 6 और 9 की गुणा 5 में करके देखते हैं, आइए देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। अगर मैं 6 की गुणा 5 से करूं तो 6 बंजे 30 आता है, मतलब कि 3 नंबर आता है, और अगर मैं 3 की गुणा 5 से करूं तो 3 पंजे मतलब कि 6 आता है। तो 3 और 6 एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को अपना रहे हैं, या मैं ये कहूं कि एक दूसरे के अधीन है। लेकिन आप देखेंगे कि 9 नंबर किसी के भी अधीन नहीं है, 9 को कितना भी गुणा करो ना तो कभी 6 आएगा और ना ही 3 आएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन में आपको पता चल रहा है कि 9 नंबर इन दोनों पर राज करने वाला नंबर है। इस विषय पर बहुत बड़ी वीडियो बनाई जा सकती है अगर आप गहराई से इसका एक्सप्लेन चाहते हैं कि एक्चुअली हम इसे अपने जीवन में उपयोग कैसे कर सकते हैं, और टेस्ला, इसका निकोला टेस्ला जो वैज्ञानिक थे, वो अपने जीवन में इसका उपयोग कैसे कर सकते थे। इन सारे सवालों के आप अगर जवाब चाहते हैं, जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।
तो इसलिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।